फोर एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल है। सर तो एक प्रेजेंट और नहीं हुई फॉर्मूला आपकी लिख लो। स्क्रीन। क्यों दिख नहीं रहा है बोर्ड? नहीं सर, सर आप दिख रहे हो। सुन नहीं दिख रहा। कोई नहीं, वेट करो, दिखेगा एक सेकंड। वीडियो का हो गया, ये प्रेजेंट पे हो गए। ठीक है, नहीं आया सर। अब भी नहीं आया हो गया बोर्ड? सर, हो गया हो गया ठीक है, तो ये सर, बोर्ड ये तो दिखा समझ में गया। आया सर। हाँ, तो इसको हमने यस सर। कन्वर्ट करा तो 1 माइनस 4 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये एक्चुअली sin 2x का होल स्क्वायर है। सेकंड स्टेप से एक बार बताइए सर। ये ठीक है? पहली स्टेप यस सर। 2 sin x cos x होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। सर नहीं पता। अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? यस सर। वो यूज करा है तो 2 sin x cos x, तो ऊपर मैंने 2 और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 sin² x cos² x जो है ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है, तो ये sin 2x का होल स्क्वायर है। देखो, ओके सर। अब एक और फॉर्मूला है फिर से, अगर मैं लगाना चाहूँ तो 1 माइनस cos 4x होता है 2 sin² 2x, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 cos 4x आ जाएगा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट में डाउट है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो फिर ट्रिगो में कवर हो ही जाएगा। तो ये इसका इसका कोई रोल ही नहीं होता पीरियड में, बस इसका होता है। तो कॉस एक्स का पीरियड 2π होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो π/2 आ जाएगा, है ना? यस सर। तो बस ट्रिग्नोमेट्री वाले में वो तो हो में जाएगा। डाउट ओके वो तो हो जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री ओके स्टार्ट सर। कर रहा हूं मैं आपसे, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है? थैंक यू सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मतलब होता है कि जैसे एफ एक फंक्शन है, उसमें अगर हम π/2 ऐड कर दें तो जी आ जाए, और जी अगर एक फंक्शन है उसमें π/2 ऐड कर दें तो एफ आ जाए। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में sin⁴ है ना, तो sin⁴x + π/2 करेंगे तो ये cos⁴x आ जाएगा, और अगर हम cos⁴ में x + π/2 ऐड करेंगे तो ये sin⁴x आ जाएगा। बस ये बात, सिंपल। यस सर। चलो, सब आ गए हो तो मैं स्टार्ट करूं ट्रिग्नोमेट्री। हाँ सर जी, पूछो। जो आपसे वो पूछा था ना, मॉड्यूलस इक्वालिटी का क्वेश्चन, तो हाँ, मुझे याद नहीं है, बोलो। सर वो था x² - x का मॉड। हाँ कुछ था फिर, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट आ रहा है? सर वो जैसे आपने बताया था वैसे तो नहीं हुआ, पर दूसरे तरीके से कर लिया मैंने। हाँ हो गया ना तुम्हारा काम? सर, पर पता नहीं सही मेथड है या नहीं। बता दो क्या करा है। सर एक मॉड को उधर ले गया मैं तो, अच्छा, और फिर सर और केस बना क्या? लिए। हाँ, एक ही बात है वो, ठीक है, हो सकता है मतलब उस होस्ट से भी जाएगा वो जो मैंने बोला था, बट वो कहाँ पे क्या अप्रोच लगा दी होगी उस वो होगा, लेकिन सही कर रहे हो तुम। तो मॉड को तो कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ओके सर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। बहुत सारे तो हमें पहले ही डिस्कस कर लिए, बट एक बार ब्रीफली रिवाइज कर रहा हूँ। sin x का ग्राफ ये होता है, पता है? यहाँ उस दिन बता दिया था मैंने, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, बताया था? यस सर। ठीक है, sin x की डोमेन बताई थी होल आर, और रेंज क्या होगी sin x की,
माइनस वन से प्लस वन, और ये कैसा फंक्शन था आपका इवन फंक्शन, और ये कैसा फंक्शन था पीरियोडिक था, और पीरियड इसका 2 पाई था। इतना सब तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ फंक्शंस एंड रिलेशंस में, राइट सर। तो ऑड फंक्शन होगा, इवन फंक्शन तो ऑड होगा, गलत बोल दिया मैंने, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा कॉस फंक्शन की बात करें तो कॉस फंक्शन कॉस 0 1 से स्टार्ट होता है, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, डोमेन इसकी भी r है, रेंज इसकी है -1 से 1, और ये आपका है आपका इवन फंक्शन, और इसका पीरियड भी है आपका 2 पाई। कोई डाउट? नो सर। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। अब आ जाते हैं टेन एक्स पे। तो टेन एक्स जो फंक्शन है, टेन एक्स की डोमेन बताओ, टेन एक्स का ग्राफ मैंने तुम्हें पढ़ाया है नहीं, ये बताओ। नहीं सर। ठीक है, टेन एक्स की डोमेन बताओ क्या होगी। सर होल आर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पर कॉस एक्स जीरो होता है तो टेन एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये पाई बाई टू, ये 3π/2, तो यहाँ पर टेन एक्स अनडिफाइंड होगा, ये जीरो ये पाई, राइट। ठीक है, जब मैं टेन एक्स की रेंज की बात करूंगा थोड़ा ध्यान से समझना, टेन जीरो जीरो का होता है। यस सर। यस। ठीक है, और 10π/2 क्या होगा। अब ये देखना, जब यहाँ पर हम 90 के थोड़ा इधर रहेंगे, ये बिल्कुल 90 के पास ये, तो यहाँ पर 10x की वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ पर हो जाएगी आपकी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी, राइट। ठीक है, कोई डाउट बोलो। तो इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए इसका ग्राफ बनाएंगे, तो 0π/2 पर अनडिफाइंड, पाई पर 0, 3π/2 पर अनडिफाइंड, 2π पर 0, -π/2 पर अनडिफाइंड, और ये माइनस पाई। तो ये आपका पाई बाई टू पर अनडिफाइंड, -π/2 पर अनडिफाइंड, 3π/2 पर अनडिफाइंड, ठीक है। तो 10 0 0 π/2 पर अनडिफाइंड, तो π/2 के जस्ट पहले प्लस इनफिनिटी, ये देखो π/2 पर अनडिफाइंड, π/2 के जस्ट बाद माइनस इनफिनिटी, पाई पर 0, फिर ये ऐसे जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, टच नहीं करेगा ये ऐसे। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो 10x की रेंज क्या है बताओ, रेंज क्या है 10x की। माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, या होल आर, रेंज इज होल आर। ठीक है, अच्छा इवन है या ऑड फंक्शन है। सर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है, राइट। ठीक है, पीरियड बताओ इसका। पाई। पाई, ठीक है, पीरियड इज पाई, राइट। ठीक है, ऐसे हम कॉटेक्स का ग्राफ बनाएंगे, रेंज आर हो गई, और ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। 10x का भी ग्राफ हो गया, कोई डाउट। नो सर। ओके, ठीक है। नो सर। सब ग्राफ के बारे में बता दो। ठीक है, देखो 10 0 क्या होता है, 10 0 0 बोलो। यस सर। ठीक है, 10π/2 अनडिफाइंड, तो जहां पर अनडिफाइंड होगा उसके आसपास प्लस माइनस इनफिनिटी, तो
तो पाई बाई टू से जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई टू के जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना है ध्यान से, ठीक है। क्योंकि जब हम 90 के आसपास की बात करेंगे, साइन 91 होता है, तो थोड़ा सा लेफ्ट में भी आऊंगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लगभग लगभग 1 ही रहेगा। और कॉस 90 जीरो होता है, तो एग्जैक्टली जीरो पर तो अनडिफाइंड होगा, बट इसके आसपास इधर बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0.000 समथिंग बताया था। तो 1/ ए वेरी स्मॉल वैल्यू विल बिकम अ वेरी लार्ज वैल्यू, ये कंसेप्ट। सर एक और बता दो सर, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी देखो एग्जैक्ट, देखो यहाँ पर तो आपका अनडिफाइंड हो ही रहा है, क्योंकि अगर नीचे एग्जैक्टली जीरो होता है तो अनडिफाइंड होता है। देखो जो मैं आसपास की बात कर रहा हूँ ना, एक टॉपिक है क्लास 11 में लिमिट, लिमिट टॉपिक इसीलिए पढ़ते हैं कि उसमें हम लिमिटिंग वैल्यू ढूंढते हैं, आसपास की वैल्यू ढूंढते हैं, वरना ये चैप्टर ही नहीं कहीं पढ़ा जाता, इस चैप्टर की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, हालांकि अभी तो तुमने पढ़ा नहीं है, x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, इसका मतलब है x पाई बाई टू की तरफ जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। पाई बाई टू माइनस का मतलब है पाई बाई टू से थोड़ी कम वैल्यू की तरफ से, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इधर से 90 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कहीं है x, तो जब यहाँ कहीं x होगा तो एग्जैक्टली यहाँ तो है नहीं, तो अनडिफाइंड तो होगा नहीं टेन एक्स, है ना, क्योंकि cos x जीरो तो होगा नहीं, लेकिन होगा बहुत छोटा, 0. something होगा, 0.00001 ऐसा होगा, और ये 1 के आसपास होगा, तो 1/ a वेरी स्मॉल वैल्यू विल बिकम अ वेरी लार्ज वैल्यू, और वो लार्ज वैल्यू इज प्लस इनफिनिटी, ये मतलब है इसका। कुछ बात समझ में आ गई सर? ऐसे अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस करूँ, तो इसका मतलब है x पाई बाई टू से थोड़ा बड़ा है, तो जब पाई बाई टू से थोड़ा बड़ा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, वैल्यू वही है, तो आंसर आएगा इसका माइनस इनफिनिटी। ये सर ये डोमेन बता दीजिए टेन एक्स की कैसे आई? डोमेन देखो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, होल आर। यस सर। कॉस एक्स की होल आर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाली लाइन पर कॉस एक्स जीरो होता है, ये वाली लाइन पर साइन एक्स जीरो होता है, ये पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा वैसे एक चीज और समझ लो, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है नहीं पता, देखो ये 1 0 एक सर्किल बना रहा हूं मैं, राइट, ये 0 1, ये -1 0, ये 0 और -1, बहुत लॉजिकल सा है सब कुछ, मैंने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा, ये 1 हो गया, ये ऐसे ही कुछ बना लिया एक एंगल थीटा। तो देखो अगर मैं तुमने अब मैं तुम्हारी क्लास 10th पे चला जाता हूँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 कॉस थीटा होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 साइन थीटा होगा या नहीं होगा? तो एक बात और याद रखना, किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस थीटा होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो साइन थीटा होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किल की बात करूं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी कि अब यहाँ पर एंगल क्या है, देखो 0 degree है या नहीं है इसी लाइन पर, तो कॉस 0 1 साइन 0 0, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर 90 degree है, तो कॉस 90 0 साइन 91, यहाँ पर एंगल कितना है 180, तो कॉस 180 -1 साइन 180 0, यहाँ पर एंगल कितना है 270, तो कॉस 270 0 साइन 270 -1, दिस इज हाउ इट इज। तो एक चीज याद रखनी है कि वर्टिकल लाइन पर कॉस थीटा 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन थीटा 0 होता है, वर्टिकल लाइन मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पाई के मल्टीपल, ये वाला पॉइंट होगा तो पाई का इवन मल्टीपल, ये वाला पॉइंट होगा तो पाई का ऑड मल्टीपल, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। यस सर। सर लास्ट वाला क्या बता दूं, वर्टिकल लाइन पर देखो कॉस थीटा 0 होता है, ये इस वाली लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, साफ साफ समझ में आता है, वो सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, और इस वाली लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज साइन थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस थीटा। अब ये सब बुक्स में नहीं लिखा होगा कि ये y कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो लॉजिकल सी बात है, मैंने 10 से रिलेट कर दिया इसको, है ना? यस सर। खैर आगे बढ़ते हैं, सो व्हाट आई मीन टू से कि भाई यहां पर cos थीटा 0 होगा ऑन पाई बाई टू एंड 3π/2, तो एग्जैक्टली पाई बाई टू और 3π/2 पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्योंकि cos थीटा विल बिकम 0। तो जो बच्चा पूछ रहा था कि डोमेन क्या होगी, तो मैंने लिखा है होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर कॉस थीटा 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग अपॉन 0 विल बिकम क्या, अनडिफाइंड। ओके सर। ठीक है, और एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ,
ये जो लिमिट चैप्टर है ये हम इसीलिए पढ़ते हैं कि आसपास की वैल्यू पता लग जाए। अगर याद करो तो मैंने तुम्हें 1/x का ग्राफ तो रिलेशन फंक्शन में ही बता दिया था, ऐसे होता है ये, टच नहीं होगा ये तो मेरे को, ये पेन में इतना कंफर्टेबल अभी नहीं हुआ। तो इसकी डोमेन है होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो, और इसकी रेंज भी है होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि 1/x जीरो पर अनडिफाइंड होता है, तो जीरो के आसपास ग्राफ बनेगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो पर ग्राफ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका ग्राफ कैसे सर? 1/x का। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो 10x की डोमेन और रेंज क्लियर है और 10x का ग्राफ क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए n प्लस 1 क्यों लिखा है? पाई बाय 2, ठीक है, ये नंबर ऑड नहीं होगा, 2n प्लस 1। यस सर। 2n विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, 2n प्लस 1 कर दो या 2n माइनस 1 कर दो वो ऑड नंबर होगा। n को 0 डालूंगा तो पाई बाई 2 आ गया, देखो n को 1 डालूंगा 3 पाई बाई 2, 2 डालूंगा 5 पाई बाई 2, नेगेटिव भी डाल सकता हूं, इट्स नॉट दैट आई हैव टू पुट ओनली पॉजिटिव वैल्यू, आई कैन पुट एनी n नेगेटिव वैल्यू बिकॉज़ आई एम नॉट रिटन हियर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, आई हैव रिटन n इज एन इंटीजर। यस सर। ठीक है, फाइन ऑल ऑफ यू। सर हां पूछो। सर जो आपने लिखा है लिमिट fx इक्वल्स टू x प्लस पाई बाई 2 माइनस, सर उसमें माइनस इनफिनिटी वो कैसे हुआ सर? बेटा ये जो है ना अभी लिमिट तुमने पढ़ा नहीं है, ये x इक्वल टू नहीं है, ये एरो बनाया है मैंने, कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में एरो एरो होता है, इक्वल टू नहीं होता, ये होता है x टेंडिंग टू, क्या होता है x टेंडिंग टू पाई बाई 2, मतलब x पाई बाई 2 है नहीं, पाई बाई 2 के आसपास है। अब इसमें दो साइन लगाए मैंने, एक माइनस और एक प्लस, पाई बाई 2 माइनस का मतलब है तो पाई बाई 2 लेकिन पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा है, पाई बाई 2 माइनस समथिंग, और ये पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, तो जब x 90 से थोड़ा छोटा है तो पहला क्वाड्रेंट है, तो वहां पर इस 10x की वैल्यू आ रही है प्लस इनफिनिटी, और जब x 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है माइनस इनफिनिटी। सही है? यस सर। कॉर्टेक्स ट्राई करो, कॉर्टेक्स का ग्राफ, कॉर्टेक्स की डोमेन रेंज सब कुछ ट्राई करो। चलो देखते हैं, अब कॉर्टेक्स देखते हैं। कॉर्टेक्स की डोमेन बोलो क्या होगी? सर होल आर एक्सक्लूडिंग रियल नंबर, होल आर एक्सक्लूडिंग मल्टीपल्स ऑफ 5। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर अनडिफाइंड, यहाँ पर अनडिफाइंड, यहाँ पर कॉट जीरो, यहाँ पर कॉट जीरो, यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, एक तरफ प्लस इनफिनिटी एक तरफ माइनस इनफिनिटी, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, फोर्थ में प्लस होगा थर्ड में माइनस होगा, बस उसी पैटर्न पे ग्राफ बन जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। कॉट जीरो क्या होगा? अनडिफाइंड। कॉट पाई बाई टू क्या होगा? जीरो। पाई पर भी वैल्यू देख लेते हैं, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, इट इज लाइक दिस, है ना? बोलो।
सो कॉट जीरो अनडिफाइंड, जीरो के बाद प्लस इंफिनिटी, पाई बाई टू पर जीरो, फिर ये माइनस इंफिनिटी की तरफ चला गया ऐसे, राइट? यस सर। आगे भी ऐसे चला जाएगा और ये पाई पर फिर से अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर लाइन खींच लो, यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, सिंपल है। तो ये हो गई डोमेन, ऑलरेडी लिख चुका हूँ, रेंज आर हो गई, ऑड फंक्शन है ही और पीरियोडिक है विद पीरियड पाई। सर हाँ जी सर, इसका ग्राफ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो ना, कॉट जीरो अनडिफाइंड, तो जीरो पर तो ग्राफ है ही नहीं, अनडिफाइंड, जीरो के बाद प्लस इनफिनिटी, तो प्लस इनफिनिटी ऊपर है ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पर पाई बाई टू पर जीरो बन जाएगा, फिर जीरो से माइनस इनफिनिटी जा रहा है तो जीरो से माइनस इनफिनिटी चला गया, फिर अनडिफाइंड है, फिर अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड के बाद प्लस इनफिनिटी, फिर ऐसे चला गया। ओके सर, लिख लो लिख लो। आगे बढ़े? यस सर। एक और लेते हैं, अगला ग्राफ लेते हैं कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स की डोमेन बताओ। सर होल आर एक्सक्लूडिंग मल्टीपल्स ऑफ पाई। मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट देखते हैं। कॉसेक जीरो अनडिफाइंड, कॉसेक पाई बाई टू वन, यहाँ भी यहाँ माइनस वन, यहाँ अनडिफाइंड, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर सेकंड में प्लस इन्फिनिटी, इधर फोर्थ में माइनस इन्फिनिटी, दिस इज हाउ इट इज, राइट? यस सर। जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, जहाँ पर अनडिफाइंड है वहाँ पे लाइन बना देता हूँ, माइनस पाई पर, टू पाई पर अनडिफाइंड है ना, तो आपका आया कॉसेक जीरो अनडिफाइंड, जीरो के जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई टू पर वन, फिर पाई बाई टू के बाद वन से वापस इन्फिनिटी चला गया, देखिए फिर पाई के बाद माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस वन, फिर वापस ऐसे चला गया, फिर आगे भी ऐसे ही ग्राफ जाएगा और पीछे भी ऐसे ही ग्राफ आएगा। मेरे ख्याल से आइडिया आ गया ग्राफ का। देखो जीरो पर अनडिफाइंड था, मैंने छुआ ही नहीं, जीरो के बाद से स्टार्ट करा है प्लस इनफिनिटी ऊपर से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और पाई बाई टू पे वन आ गया, पाई बाई टू पे वन आ गया, फिर ये पाई बाई टू के बाद फिर से इनफिनिटी की तरफ चला गया, देखो ना वन से इन्फिनिटी जा रहा है ना, यहाँ पर भी सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी वन से इन्फिनिटी जा रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, अच्छा फिर आपका इसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओ, तो पाई के बाद, पाई पर तो अनडिफाइंड है, तो पाई के बाद माइनस इन्फिनिटी, थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन, और फिर माइनस इन्फिनिटी, देखो बोलो समझ में आया नहीं सर, एक और बार एक्सप्लेन कर दो, तुम एक बार सोच लो, एक सेकंड दो, आधा मिनट का टाइम दो, पहले सोचो फिर मैं बताता हूँ।
हेलो। हाँ जी सर, बस एक चीज पूछनी थी, पूछ लूँ मैं? सर हाँ हाँ पूछो आराम से। हाँ ये गेम टोपिया के नाम से कौन आया है इसमें यूजर नेम? गेम करके यूजर नेम किसका है इसमें? कौन? रजत, रजत बंसल। रजत बंसल। बेटा आप अपने नाम से आया करो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से अपनी मेन आईडी से आना, अपना नेम की आईडी बना लो, चाहे तो नहीं बनी हो तो अपने नाम की आईडी से ही आना, ओके सर। ठीक है? रजत बंसल। और ये नान सोल गेमिंग कौन है ये? हेलो नान सोल गेमिंग, ठीक है सर वो लेफ्ट हो गया, अब आता है तो मैं उसको लेफ्ट ही कर दूंगा। ठीक है। बेटा किसी को शेयर मत करना, कोई भी लिंक किसी को शेयर नहीं करेगा, अपने फ्रेंड्स को कभी शेयर करते हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन तो होल आर एक्सक्लूडिंग एन पाई होगा ना, क्योंकि तो पाई पे ये जीरो होगा, टू पाई पे जीरो होगा, तो हर जगह अनडिफाइंड होगा। देखो पाई पर, टू पाई पर, जीरो पर, माइनस पाई पर, फिर मैंने इसका क्वाड्रेंट ये वाला बनाया, अनडिफाइंड लिख दिया दोनों तरफ जहाँ अनडिफाइंड है। जब भी अनडिफाइंड होता है ना, तो एक तरफ प्लस इन्फिनिटी होगा, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी। ये भी ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, फिर यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर माइनस वन होगा। यस सर। बोलो। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना रहा हूं, तो जीरो पर अनडिफाइंड, जीरो के बाद प्लस इन्फिनिटी, जीरो के बाद प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई टू पर वन, पाई बाई टू पर वन। फिर देखो ग्राफ वन से नीचे नहीं जा रहा, वापस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर से ऊपर चला जाएगा वन से इन्फिनिटी। दिख गया साफ? यस फिर इस पॉइंट पर अनडिफाइंड है, देखो ये अनडिफाइंड है, इसके बाद माइनस इन्फिनिटी, तो नीचे चला गया, इसके बाद जस्ट माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आया, ये माइनस वन, फिर माइनस वन से घूम के माइनस इन्फिनिटी चला गया, नीचे चला गया, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, सेम नेचर है ना। सर, हाँ बोलो। कौन सी लाइन पे साइन नेगेटिव होता है, साइन जीरो होता है, कौन सी लाइन पे कॉस जीरो होता है बता देता क्या बोल रहे हो? सर? जो ग्राफ आपने बनाया पाई बाय टू पाई वाला, वो सर कौन सी लाइन पे साइन नेगेटिव आपने बताया था ना कुछ? सर ऊपर दोबारा बोलना, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो दोबारा सर, जो बोलना। आपने वो बनाया ना सर साइन कॉस वाला, तो सर उसमें कौन सी लाइन पे कॉस नेगेटिव आपने कुछ ऐसा बताया था ना? अच्छा वही कॉस थीटा इस लाइन पर, साइन थीटा, कॉस थीटा इस लाइन पे जीरो होता है और साइन थीटा इस लाइन पे जीरो होता है, मैंने तो ये बताया था। फिर यहाँ साइन थीटा वन, यहाँ माइनस वन, नीचे यहाँ कॉस थीटा वन, यहाँ कॉस थीटा माइनस। उससे परेशान मत हो, कोई चीज हो सकता है मैंने बताई हो तुम्हें, उस समय नहीं सुनी हो तो उसको भूल जाओ, तो आएगी सामने तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है सर। अभी रिपीट कहीं ना कहीं आ ही जाएगी वो चीज सामने, तो जब आएगी तब पूछ लेना, वरना ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यस सर। फिलहाल इसको देखो, जो अभी बात हो रही है इसको देखो, ये बात सही है कि नहीं है ये बताओ। यस अब इसकी रेंज बताओ क्या होगी, बोलो। मैं लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से इन्फिनिटी। देखो माइनस यस इन्फिनिटी से माइनस वन तक की वैल्यू आएगी और फिर वन से बड़ी वैल्यू आएंगी, ये बीच की वैल्यू नहीं आएंगी। जो साइन एक्स की रेंज होती है कॉस एक्स में, वो चीज रेंज में नहीं आएगी। बोलो सर। यस सर। कोई बच्चा सर तो रेंज पूछ का रहा है? कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो जो एक्स एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस होती है उस पे हम डोमेन देखते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उस पे हम रेंज देखते हैं। ये तो सिंपल है। यस सर।
तो देखो रेंज ये वाई एक्सेस, तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक वैल्यू आएगी, और फिर ये वैल्यू नहीं आ रही है, फिर वन से इन्फिनिटी आ रही है, वही लिखा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। ओके सर, सर का पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड सर पाई होना चाहिए। पहले एक सेकंड, पहले रेंज का बात करते हैं बाद में। पहले रेंज की बात करते हैं, रेंज को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ होल आर एक्सक्लूडिंग ये वाला इंटरवल। यस सर, यस सर, ये वाला इंटरवल में रेंज नहीं आएगी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट लगा दूं तो ये सही है क्या? ये नो सर, ये सही है क्योंकि क्लोज को नहीं हटा सकता, क्लोज तो इंक्लूडेड है ना। पीरियड बताओ क्या होगा? पीरियड 2π होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे चला गया, अब यहाँ से वापस स्टार्ट होगा, तो पीरियड इज 2π। ठीक है, अब सेकंड ट्राई करो। सर पीरियड 2π कैसे हुआ? तुम बताओ, थोड़ा सोचो। पीरियड होता है कि फंक्शन सेम नेचर, देखो ये एक नेचर है फंक्शन का, ऊपर ऊपर कुछ ग्राफ बना रहा है, फिर नीचे कुछ ग्राफ बना रहा है, फिर ऊपर इसने ग्राफ बनाया, फिर नीचे ग्राफ बनाएगा, तो ये जो है ना ये 2π के बाद सेम नेचर रिपीट होगा या नहीं होगा? यस सर, बताओ। तो पीरियड 2π होगा, सिंपल है ना। बेटा पीरियड तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्लास ली थी पूरी। एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होता है तो फंक्शन पीरियडिक होता है, उसका पीरियड टी होता है, तो वैसे भी पता है साइन एक्स का पीरियड 2π होगा, तो कॉस एक्स उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसका भी पीरियड 2π होगा या नहीं होगा? यस सर, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ग्राफ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करा, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया ग्राफ, ये नीचे, फिर ये ऐसे आ गया, अब वापस यहीं से स्टार्ट हो गए, तो यहाँ के बाद लौट के यहीं पे यहाँ पे आया ना, आने को तो यहाँ भी आया, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं बन रहा, अलग नेचर ले लिया, तो नेचर पहले ये था, फिर ये था, फिर वापस ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, तो ये वाला नेचर 2π पे रिपीट हो रहा है ना। यस सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है। अब सेकंड ट्राई करो। डोमेन ऑफ पाई एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होल आर, होल आर सर, होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई कॉस एक्स में, उसमें सेक एक्स में, सेक एक्स थोड़ा ध्यान से सोचो, ये हटा दूं पहले, ये बताओ। यस सर, यस सर, चलो सेक एक्स का बताओ। सर होल आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, बिल्कुल डोमेन होएगी आपकी होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि कॉस एक्स जीरो होता है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर, तो वहां पर ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। यस सर, जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ठीक है। चलो अपने आप ग्राफ ट्राई करो, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल कॉस एक्स की तरह आएगा, बेटा ये ननसोल गेमिंग कौन है? मैं एग्जिट मार दूंगा उसको, दोबारा एडमिट नहीं करूंगा, बताओ कौन है? सर मैं नया एडमिशन लिया है मैंने।
ओके बेटा, क्या नाम है बेटा? नंदीश सोलंकी। नंदीप सोलंकी? नंदीश। नंदीश, यस सर। चलो ठीक है बेटा, अपना ना नेम से आया करो ये, मतलब अपना आईडी बुलाने ना चाहे तो मेल आईडी पे उस नेम से आना। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए पता नहीं था। कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम से अपनी आईडी से आना, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है, बन रहा है इसका ग्राफ सर। कोसेक्स की इन सब पे वैल्यू क्या होगी सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर कोसेक एक्स की इन सब पे वैल्यू क्या होगी? कोसेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स सेक 0 सेक 0 1 होगा, क्योंकि सेक होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, तो सेक 0 1 होगा। सेक पाई बाय 2 अनडिफाइंड, सेक पाई माइनस 1, सेक 3 पाई बाय 2 अनडिफाइंड, बस इतना लिख लो, काम हो गया। ठीक है सर। अब जहां अनडिफाइंड होगा वहां एक तरफ प्लस इनफिनिटी, तो ऑब्वियसली पहले में, सेकंड में sec x नेगेटिव होगा तो माइनस इनफिनिटी। यहां पर भी अनडिफाइंड है तो थर्ड में sec नेगेटिव होता है माइनस इनफिनिटी, फोर्थ में sec पॉजिटिव होता है तो प्लस इनफिनिटी। बस इस चीज को ध्यान में रख के आपका काम होगा। ये आपका 0 sec 0 हो गया आपका 1, sec pi by 2 हो गया अनडिफाइंड, sec पाई हो गया आपका माइनस वन। चलो करते हैं, तो जीरो पर वन देखो, पाई बाई टू पर अनडिफाइंड, पाई बाई टू से जस्ट पहले प्लस इनफिनिटी, पाई बाई टू के बाद देखो माइनस इनफिनिटी, और पाई पर वैल्यू आएगी माइनस वन, और फिर ये ऐसे थ्री पाई बाई टू पर ये ऐसे अनडिफाइंड, थ्री पाई बाई टू के बाद इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से वन, और ऐसे घूम जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा टू पाई, और इधर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है माइनस पाई बाई टू, फोर्थ में भी पॉजिटिव रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा। यस सर आ गया। तो इतना तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो वाई के सिमेट्रिकल दिख रहा है मुझे ग्राफ, वाई के सिमेट्रिकल। यस सर ठीक है सर। ग्राफ एक बार बता दो। ठीक है देखो, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर sec x 1 होगा, बोलो। यस यस सर। और ऊपर क्या होगा अनडिफाइंड पाई बाई टू पर? यस सर। यहां पर माइनस 1 होगा, यहां पर अनडिफाइंड होगा, तो जहां पर अनडिफाइंड है एक तरफ प्लस इंफिनिटी और एक तरफ माइनस इंफिनिटी। Yes, sir. ऐसे यहाँ पर भी होगा, इसी पैटर्न को दिमाग में रखते हुए ग्राफ बना लो। sec 0 1, तो यहाँ पर ये आपका 1 हो गया, बोलो। Yes, sir. तो 0 पर 1 आ गया, फिर ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी चला गया, 1 से कहाँ चला गया इन्फिनिटी, राइट, लाइक दिस। ठीक है, फिर ये पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड हो गया, फिर ये पाई बाई 2 के बाद हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी नीचे से, और फिर ये पाई पर हो गया माइनस वन, ये माइनस वन आ गया, सही है? यस सर। फिर ये पाई पर माइनस वन, फिर माइनस वन से माइनस इनफिनिटी, ये नीचे चला गया, ऐसे ही तो जा रहा है, और फिर ये अनडिफाइंड, और फिर अनडिफाइंड के बाद ऊपर चला गया सीधे प्लस इनफिनिटी, ये, और फिर प्लस इनफिनिटी से जीरो हो गया। थ्री पाई बाय टू के बाद कैसे सर, टू पाई के बाद कैसे हुआ? टू पाई के बाद, टू पाई तक तो ठीक है वन आ गया, तो टू पाई के बाद तो वही रिपीट होगा ना, पहला क्वाड्रेंट वन से इनफिनिटी चला गया, देखो सर टू पाई से पहले प्लस इनफिनिटी। हाँ ठीक है। यस सर। चलो अब बताओ, ये फंक्शन, ये फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, राइट? ठीक है। पीरियोडिक है?
ठीक है, पीरियड क्या है इसका? पीरियड 2π, 2π, ठीक है, हटा दूं ये सारा? यस सर। ठीक है, अभी मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी बहुत क्वेश्चन नहीं कराए हैं, बट एक देखता हूँ थोड़े बहुत, अगर तुम्हें क्या कहते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करना है वो कर लेना, देखता हूँ। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड, इसका मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, ग्राफ का आइडिया क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x इन 0 to 2π। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू। टू कौन कौन से एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? वैल्यू आनी चाहिए 5/2, लिख रहा हूँ 3π/2। कैसे आ रही है दो वैल्यू, कोई तरीका? यस सर, ग्राफ बना के देखा था, मतलब हल्का फुल्का अप्रोक्स सर। एक तरफ मतलब पहले तो 10 प्लस sec का बना के देखा एक बार, उससे क्या होगा, और सर फिर एक और फिर बनाया 2 cos का, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे। एक सेकंड, किसका ग्राफ बनाया तुमने? सर 10 प्लस sec का। 10 प्लस sec का ग्राफ कैसे बनाया है जरा बताना। वैसे बताता हूँ सर, पहले तो रख के देखा 0 x की जगह, x की जगह 0। अच्छा ये सर तो बन आ गया 0 1। यस सर। फिर सर जैसे जैसे पाई बाई टू की तरफ गए तो वो प्लस इनफिनिटी की तरफ चलने लग गया। ये तरीका कभी मत करना आज के बाद, ठीक है? fx plus g का ग्राफ fx minus g x ऐसे नहीं बनता, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ऐसे मल्टीपल इसके मैक्सिमम के पॉइंट भी आ सकते हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट मैनर। अगर कभी ग्राफ बनाओगे तो भाई इसी का बना सकते हो, 2fx का बना लोगे, मॉड fx का बना लोगे, f ऑफ मॉड x का बना लोगे, है ना? ये गलत मैथ सर। सर पाई और पाई बाय सिक्स, पाई और पाई बाय सिक्स, ये भी गलत है, पूरा अंतर। सर सर पाई बाय सिक्स एंड फाइव पाई बाय सिक्स, दो आंसर आगे पाई बाय सिक्स, ये मुझे बेटर लग रहा है, आई मीन ये ठीक हो सकता है। तो पहले मैं मतलब मेरा मेन मकसद आंसर नहीं है, मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट। तो बेटा तुम्हें समझ में आया ना कि ऐसे ग्राफ नहीं बनाओगे ना? यस सर। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करिए।
करो जरा करो। मैं करता हूँ देखो, देखो ये लिखा हुआ है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। 10x plus 10x equals to, ये किसके में डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लो ना। ये ऐसा आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई। यस सर। 30 डिग्री एंड 270 डिग्री आ रहा है, देखते हैं। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो पहले किसी बच्चे का आ गया था। 270 मतलब 3 पाई बाई 2, देखते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये इधर ले गया मैं इसको, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन लिया, तो साइन एक्स प्लस 1 है ना, माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया आपका, 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका, हाफ, और साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। आई थिंक इतना तो सबने करा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। साइन एक्स हाफ आपका दो क्वाड्रेंट में होता है, पहले में और दूसरे में, क्योंकि साइन यहीं पर पॉजिटिव होता है तो 30 डिग्री, और सेकेंड में हो गया पाई माइनस 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो एक सॉल्यूशन आया पाई बाई 6, एक आया 5/5/6, राइट। अब तीसरे की बात करो तो माइनस 1 बताया था, साइन एक्स यहाँ पर 1 होता है, यहाँ माइनस 1 होता है, कॉस एक्स यहाँ पर 1 होता है, यहाँ माइनस 1 होता है। तो अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करूँ, क्योंकि इसने 0 से 2 पाई यानी कि एक ही सर्कल दिया हुआ है, तो एक्स विल बिकम इक्वल टू 3π/2, राइट। बोलो। यस सर। तो इसके सॉल्यूशंस 1/2, तो दो एंगल आ गए, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस 1 होता है, तो वो माइनस 1 वाला भी आ गया। yes, तीन आ गए, yes. तीन आ गए ना। yes, sir. ठीक है, राइट। अब जब ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है, अब इसमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 3 बी पार्ट कायदे में तो यही दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, आप ध्यान से देखना, ओरिजिनल फंक्शन ये है, इक्वेशन ये है, तो इसमें 10 और सेक्स 3 आराम से 10 जो होगा, हाँ सही बोल रहे हो, 10 और sec दोनों के डिनोमिनेटर में cos आता है, तो इनकी डोमेन में क्या होता है, हम होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिखते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर दोनों फंक्शंस का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा? तो जो ये 3π/2 हमारा आंसर आ रहा है, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बिकम 2। तो जो बच्चे इसको लगाएंगे उनका इनफैक्ट मतलब प्लस 4 तो छोड़ो, इनफैक्ट माइनस 1 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं जेई मेन में वो यही बनाए जाएंगे कि भाई बच्चे ने ये गलती कर दी तो ये वाला ऑप्शन, ये गलती कर दी तो ये वाला ऑप्शन, और एग्जैक्टली सही करा है तब ये ऑप्शन, ऐसा ही होता है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन कराया है कि जेई का आया हुआ भी है, इसलिए भी कराया है, और इसलिए भी कराया है कि डोमेन का मीनिंग क्या है, कि हम फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं वो डोमेन वोमेन निकालना है ना, वो हमें हर समय ध्यान भी देना है, राइट। आगे बढ़े हम,
साइन एक्स की वैल्यू सर 1/2 और -1 है, उसके बाद से समझ में नहीं आया सर। तो साइन एक्स 1/2 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे होता है, इतना तो टेंथ में पता है। यस सर। और ये थोड़ा सा 11th में ये पता चल गया कि 0 से 90 फिर 90 से 180 ऐसे चलता है ग्राफ, तो पॉजिटिव 0 से 180 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0, तो एक बार 1/2 यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये चीज है वो अभी तो और समझ में आ जाएगा। अभी मैं 5/6 और 3/2 कैसे आया सर? यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स वन होता है और यहाँ पर माइनस वन होता है, तो माइनस वन 3/2 पे होता है ना। सर 5/6 कैसे आया? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस 5/6 से साइन 5/6। सर फिर से बोलो एक बार। ये एक्चुअली ऐसा है, तुम्हें शायद अभी क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे। साइन 120 की वैल्यू निकालनी आती है, पहले ये बताओ अभी। यस सर। यस सर, साइन 180 माइनस 120 कर देंगे सर। हाँ, तो साइन ऑफ 180 माइनस 120 कर देंगे, तो ऐसे ही 180 माइनस 30 कर देंगे, तो साइन ऑफ 180 माइनस 30 साइन 30 होता है। यस सर। तो बस तो साइन 150 और साइन 30 सेम नहीं होंगे, तो दोनों ही हाफ हो जाएंगे, तो ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 150 डिग्री। नहीं सर, हमें पता है चला कि हमें 5/6 होगा, यहाँ पाई है, तो साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी पता है साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स अगर 1/2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ का भी एक एंगल होगा और यहाँ का भी होगा, ये पक्का है। तो एक अगर पाई बाई सिक्स क्लियर नहीं हुई, ये इसलिए क्लियर नहीं हुई क्योंकि अभी क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। पहले बताओ, मतलब चलो ठीक है, मैं एक सेकंड देखता हूँ, ये हटा दूं फिर मैं इस चीज को समझाता हूँ, ये हटा दूं। यस सर। यस सर। देखो बात हो रही थी साइन एक्स बराबर हाफ की, साइन एक्स हाफ दो जगह होगा, पहले ये बताओ ये पक्का है? यस सर। क्योंकि यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, ये सबको पता चल गया कि एक्स बराबर पाई बाई सिक्स पे तो होगा ही होगा, पाई बाई सिक्स यहाँ वाला एंगल है कि नहीं है? बोलो। अब यहाँ देखो सर, एक बार ये बता दीजिए सर, पाई बाई सिक्स पाई कहाँ पे होगा सर? पाई बाई सिक्स तो यहाँ होगा ना, करीब 30 डिग्री ऐसे होगा ना, 0 से 90 तो 30 यहाँ पे ही होगा, होगा? अरे यहाँ होगा ना 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे कुछ, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे, ये आगे बढ़ते जाएंगे 180 हो जाएगा ऐसे, ये चलता रहेगा ना। यस सर। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो ये पाई बाई सिक्स हो गया 1/2, अच्छा यहाँ पाई होता है, तो मैंने लिखा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन पाई बाई सिक्स यूजिंग क्या? यस। ये क्या लिखा है मैंने? सर ये हमने फॉर्मूला लिखा ना, ये लिखा है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब मैं आज की क्लास में ये समझाऊंगा पूरा टॉपिक। हाँ, तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स भी वही होगा जो साइन पाई बाई सिक्स होगा, और ये कितना हो गया, साइन फाइव पाई बाई सिक्स हो गया या नहीं हो गया? कौन सा? ये दूसरा वाला 1/2 था, ये 5/6 हो गया ना। यस सर। यस सर। साइन 5/6 की वैल्यू भी वही आएगी जो साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू आएगी, राइट? यस। ओके सर। ठीक है, अभी ये वाला क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अभी दो मिनट रुको। ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया था कि ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए, है ना? अब देखो जरा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले डिग्री और रेडियन का तो वो पता है ना, जो क्लास 11 का डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वो आइडिया है। यस सर। यस ठीक है, अभी मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस।
हाँ अभी मैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट की बात करता हूँ, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इलेवेंथ का तो आना ही चाहिए ना। देखो जरा, ये हमारा पाई बाई टू है, ये हमारा थ्री पाई बाई टू है, ये हमारा जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है, राइट। एक चीज याद रखना, जैसे मान लो तुम्हें साइन ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो या तो 180 प्लस समथिंग करेंगे या 270 माइनस समथिंग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू निकालने के लिए, देखो 30 डिग्री हमें पता होता है, 45 हमें पता होता है, 60 हमें पता होता है, 90 हमें पता होता है, या हमें एंड वैल्यूज पता है, मतलब 90 पर, 270 पर, 0 पर, 180 पर, ऐसे हमें पता है, राइट। ठीक है, अब अगर बीच में वैल्यू निकालनी होती तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे कभी भी ना साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी, और ये 90 है, 90 बोल लूं या 90 का ऑड मल्टीपल बोल लूं, तो ये वाली लाइन आएगी। यस सर। पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल बोल लूं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू या वर्टिकल लाइन, जब भी पहला केस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, दैट इज वर्टिकल लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, जब भी कभी ऐसा होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, याद रखना, कॉस साइन में, टेन आपका कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टेन में, सेक आपका कॉसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक आपका सेक में कन्वर्ट होगा। एक आध एग्जांपल लेता हूँ, जैसे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो 90 वर्टिकल लाइन का एंगल है, तो साइन आपका कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और 90 प्लस समथिंग इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस थीटा, राइट। यस सर। ठीक है सर, अब ऐसे सब 90, हाँ सर, इस बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें, साइन 90 प्लस थीटा, 90 ये वाली लाइन का एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मैंने बताया ना, जब कभी यहाँ पर ये वाली लाइन का एंगल है तो साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा, तो साइन कन्वर्ट हो गया 90 प्लस थीटा की वजह से कॉस में, और साइन ऑफ 90 प्लस समथिंग है सेकेंड क्वाड्रेंट, और मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन की, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर आया प्लस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा, सॉरी। ओके सर, समझ गया। ठीक है, अब जैसे कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा है, तो 90 की वजह से कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। यस सर। 90 प्लस समथिंग सेकेंड, तो सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो हो गया माइनस साइन थीटा, बोलो। यस सर। जरा टेन ऑफ 90 प्लस थीटा बताओ, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा बताओ, मतलब सिर्फ एक अपने हिसाब से करते जाओ, करो इन दोनों को। थीटा वो माइनस कॉट थीटा, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है, करो। दूसरा वाला माइनस 10 थीटा, माइनस 10 सर, दोनों माइनस वाले, माइनस आएंगे, बिल्कुल दोनों माइनस आएंगे, 10 ऑफ 90 प्लस थीटा, तो 10 कॉट में कन्वर्ट होगा, और 90 प्लस 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और ये माइनस 10 थीटा हो जाएगा, सिंपल। यस सर। यस सर। कॉसेक ऑफ 90 प्लस थीटा और सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, सेक थीटा पहले का, पहले का सेक थीटा होता है, कॉसेक होगा आपका किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉस माइनस कॉस थीटा, लेकिन वो माइनस, वेरी माइनस कॉस, समझ में आ गया मतलब, है ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड।
हटा दूं? यस सर यस सर यस सर दूसरी बार अब फिर से, यानी कि अभी तो वर्टिकल लाइन की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, हॉरिजॉन्टल लाइन इज मल्टीपल ऑफ पाई। ये वाला जो पॉइंट है ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। सिंपल है, क्योंकि यहाँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यहाँ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे चलेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कभी भी सेकंड बात मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई में चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, आना तो इसी लाइन पे है ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना? यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देयर विल बी नो चेंज। जैसे साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो 180 की वजह से साइन का साइन ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कॉस ही रहेगा, लेकिन थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। जैसे अभी हमने जो पिछली बात करी थी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो वो आपका प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यस सर यस सर समझ में आ गया सबको? यस सर ठीक है। इस तरीके से ये तो कहीं पर भी, अगर अभी जो तुम लोग पूछ रहे थे ना एक पाई बाई सिक्स और एक फाइव पाई बाई सिक्स, तो वो मैंने इसी कंसेप्ट से निकाला था कि यार पाई बाई सिक्स पर वन हाफ आ रहा है, तो अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भी तो वापस साइन थीटा ही होता है, तो पाई बाई सिक्स डाल दो तो वो साइन पाई बाई सिक्स के बराबर ही होगा, तो यानी कि फाइव पाई बाई सिक्स आपका रिजल्ट आ गया। समझ में आया? यस सर ठीक है। एक क्वेश्चन करो जरा। अच्छा एक चीज और, एक चीज शायद हमने उस दिन भी डिस्कस करी थी, ये हटा दूं? यस सर यस सर। देखो अगर हमारा कोई एंगल यहां पर थीटा है सपोज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जैसे इसको पाई बाई टू बोलते हैं ना, तो इसको माइनस पाई बाई टू भी बोल सकते हैं अगर हम ऐसे मेजर करें उल्टे हाथ में, है ना? ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं साइन ऑफ माइनस थीटा की, थोड़ा ध्यान से समझना, तो यहां पर एंगल जीरो है, तो जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल के ऊपर नीचे चल रहे हैं तो देयर विल बी नो चेंज, तो साइन थीटा ही रहेगा या नहीं रहेगा? कॉस में तो बदलेगा नहीं, लेकिन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ठीक है? ओके सर। यस बताओ कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख लो, सब लिख लो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लो, सारे लिख लो। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा, टेन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा आएगा। सही जा रहे हैं? यस सर यस सर। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, पता ही नहीं होता है बच्चों को कि माइनस थीटा में ऐसा होता क्यों, बस याद कर लेते हैं। तुम्हें समझ में आया कि नहीं क्यों माइनस थीटा में ऐसा होता है?
क्योंकि माइनस थीटा इज बेसिकली यस सर फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है यस यस सर ठीक है लिख लिया अब एक क्वेश्चन कर लो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ 14 10 डिग्री बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस 14 10 सर ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है सर -1/2 कोई बात नहीं -30 भी कर लो -1/2 है सर पहले इसको माइनस साइन थीटा से ये लिख लेंगे है ना यस सर बोलो सर यस ठीक है फिर माइनस साइन थीटा से लिखने के बाद इसको हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ 1440 -30 डिग्री 1440 एक्चुअली यहाँ होता है ना 720 का डबल है ना तो 1440 माइनस समथिंग 1440 माइनस समथिंग कितना होगा माइनस साइन थीटा होगा yes. बोलो तो माइनस ऑफ माइनस साइन 30 हो जाएगा so that is equal to minus of minus half so answer will be half right सही है ये करना cos of 15 π/4 1/√2 बाकी लोग भी करो देखो सही है कि नहीं चेक करो सर -30 1/2 है या -1/2 -30 इज -1/2 साइन मतलब साइन 30 1/2 होता है ना ओके सर देखो इसको हम ये लिख सकते हैं cos of 3π+ नहीं इसको हम लिख सकते हैं cos of 4π - π/4 फोर पाई यहाँ कहीं आएगा तो cos of 4π - θ 4π हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो देर इज नो चेंज तो इट इज बिकमिंग cos π/4 4π - something इज 4 फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है तो प्लस cos π/4 तो आंसर आ जाएगा इसका 1/√2 एक बार पहला वाला करा दीजिए सर ये साइन 14 10 वाला ये पहले साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा फिर ये देखा 14 10 किसके आसपास है तो यहाँ 720 डिग्री यहीं पर आएगा 720 का डबल 1440 भी यहीं पे आएगा तो इसको लिख लिया 1440 - 30 1440 इज द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तो साइन साइन में ही रहेगा और तो साइन ऑफ 1440 - 30 साइन थीटा ओनली साइन 30 आ गया और क्वाड्रेंट नंबर है 4 तो वहां माइनस होगा क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना ओके सर सर cos π/4 1/√2 कैसे हुआ cos π/4 होता ही 1/√2 है cos 45 सर ठीक है इस ठीक है ना लिख लो एक आध और क्वेश्चन लिख लो इसको हटा देता हूँ करो
बताओ टू आ रहा सर यस सर टू आ रहा है ठीक है बाकी लोग भी करिए पहले बताओ कॉसेक को माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा यस सर अब ये 510 है तो 18 का 540 यहाँ आएगा इसको 540 माइनस 30 लिख लो यस सर अब देखो 540 हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा तो ये कॉसेक 30 रहेगा और 540 माइनस समथिंग सेकंड सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है तो माइनस 2 विल बी द आंसर यही आ रहा है तुम्हारा यस सर गुड हो जाएगा yes, मतलब ये समझ में आ गया ना यस सर ठीक है यस सर हटा दो ये यस सर जो सबसे पहले फॉर्मूले हैं वो ये हैं बस चार फॉर्मूले याद रखने हैं सारे फॉर्मूले हम इन्हीं से डिराइव कर लेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी एस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी एस cos a cos b minus sin a sin b cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b ये जैसे ना हमें मान लो ये निकालना है फॉर एग्जाम्पल sin 75 निकालना है ना तो 75 तो हमने क्लास 10th में टेबल में नहीं पढ़ा है तो इसको हम 45 प्लस 30 कर सकते हैं Yes, sir. Yes. ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30 निकाल सकते हैं नहीं साइन 45 होगा 1/√2 ये होगा √3/2 तो ये घूम फिर के आ जाएगा √3 + 1/√2 ये आ गई आपकी साइन 75 की वैल्यू तो इन सब के लिए हमारे पास अब आगे आगे चीजों के लिए फॉर्मूले आते रहेंगे समझ में आ रहा है यस सर एक और चीज देखते हैं यस सर ये बताओ साइन 75 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या साइन ऑफ 90 - 15 यस सर और अभी पढ़ा था साइन ऑफ 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा यस सर तो ये कॉस 15 आ गया तो साइन 75 कैन बी रिटन एज कॉस 15 या नहीं Yes, तो जो साइन 75 की वैल्यू है वही कॉस 15 की वैल्यू आएगी है ना ऐसे जब हमें साइन 15 निकालना होगा साइन 15 तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा तो साइन 15 आ जाएगा yes, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा तो साइन 15 की वैल्यू होगी आपकी साइन 15 विल बी √3 - 1/√2 एंड साइन 15 और कॉस 75 एक जैसा होगा ठीक है लिख लिया यस सर एक मिनट अभी हाँ हाँ ठीक है तो साइन 90 - 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना हाँ बिल्कुल
फिटन ठीक है हटा दूं यस सर अब एक चीज और देखो सर ये बताओ मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की अगर मैं रेंज पूछूं तो क्या आएगा रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स So minus one to plus one. So minus two to plus two. Minus two to plus two. और कोई? So minus root two से plus root two. कैसे? अरे फॉर्मूला होता है ना a sin x plus b cos x के रेंज होती है under root a square plus b square. बिल्कुल बिल्कुल. Actually देखो क्या है? जिसने ये माइनस टू से प्लस टू बोला है ना लॉजिकली समझते रहो जिसने ट्राई करा है ना उसको ही ज्यादा फायदा होगा फॉर्मूला बेस मत करो ट्राई करो वो तो बुक्स में लिखे हुए देखो जैसे इसने ट्राई करा है माइनस टू से टू इसने अपना सोचा एटलीस्ट ये माइनस वन से वन ये माइनस वन से वन तो मिनिमम वैल्यू दोनों की माइनस टू और मैक्सिमम प्लस टू बट ये गलत इसलिए है कि जिस एंगल पर साइन एक्स वन होगा उस एंगल पर कॉस एक्स वन नहीं होगा जैसे साइन 91 है बट कॉस 90 है तो दोनों एक साथ वन नहीं हो सकते तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कभी भी इनकी टू नहीं हो सकती इन द सेम वे मिनिमम वैल्यू कभी भी माइनस टू नहीं हो सकती समझ में आ गई बात यस सर अच्छा मैं अगर इसकी रेंज पूछूं साइन एक्स प्लस कॉस वाई की रेंज पूछूं इसकी माइनस टू से टू होगी इसकी माइनस टू से टू यस सर इसकी माइनस टू हो सकती है या ठीक है सर माइनस टू से ठीक है तो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होगी वो निकालते हैं देखो एक तरीका है इसको अगर मैं रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स आ जाएगा इसको मैं जो है ना इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू साइन एक्स कॉस 45 प्लस कॉस एक्स साइन 45 ये समझ में नहीं आया देखो हमने रूट टू से इसको ऊपर रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई करा तो ये स्टेप ठीक है यस सर इसके बाद की स्टेप देखो ये रूट टू है साइन एक्स वन बाई रूट टू को मैंने लिखा कॉस 45 चलेगा यस सर और इस वन बाई रूट टू को लिखा हमने साइन 45 यस सर तो ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ गया यस सर यस सर ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया जो अभी बताया था यस सर ओके सर चलिए एक और बता दो हाँ चलिए एक और साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये साइन ऑफ ए प्लस बी बोलो अभी तो लिखवाया था नहीं सर जो सर सेकंड स्टेप किया है बाबा साहब हमने रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड करा देखो फिर ये हो गया साइन एक्स और वन बाई टू को लिख दिया कॉस 45 ये हो गया कॉस एक्स और इसको लिख दिया साइन 45 तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये हो गया आपका साइन ऑफ ए प्लस बी अब साइन थीटा माइनस वन से वन लाई करता है अगर मैं थीटा प्लस अल्फा कुछ कर दूं या प्लस बीटा भी कर दूं क्या फर्क पड़ता है लाई तो ये माइनस वन से वन ही करेगा ना यस सर यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर जो होगा वो आपका माइनस वन से वन लाई करेगा एंगल तो कुछ भी हो ना अंदर क्या फर्क पड़ता है वो तो बता रहा हूँ तो जब मैं इसको रूट टू से तीनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर
will lie between minus root 2 say plus root 2. So range of the function sin x plus cos x will be minus root 2 to plus root 2. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. सही है. ठीक है. वो जो हटा दूँ ये सारा? Yes, sir. सर. हाँ. तो यार root 2 sin x plus pi by 4 कैसे लिखा? ये वाली स्टेप आई समझ में? यस सर. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का भी फॉर्मूला बताया था ना? सर मुझे कनेक्शन लॉस हो गया था. अरे अभी लिखवाया था ना साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी पिछले पेज पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. यस सर. बस उसी से लिखा है इसको. ए ये है एक्स और बी है पाई बाई फोर. यस सर. ठीक है. ठीक है हटा दूं अब. यस सर. अब जो फॉर्मूले की बात हो रही थी ना वो फॉर्मूला ये है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो रेंज है दैट इज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक. ये फॉर्मूला याद रख लेना. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता तो ए और बी दोनों वन वन है, तो जब मैं ए और बी की जगह वन वन डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस रूट टू से प्लस रूट टू. सिंपल सर. ठीक है. यस सर. यस. अब जो हमने फॉर्मूले लिखे थे इन्हीं फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे. साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अगर मुझे साइन ऑफ टू ए का फॉर्मूला बनाना है तो बी की जगह ए डाल दो, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये आ गया आपका टू साइन ए कॉस ए. चाहिए? एक और बार बोलो. अरे बी की जगह बस ए डाल दो तो साइन लेफ्ट में साइन टू ए हो जाएगा ना. बी की जगह ए डालूंगा तो साइन टू ए, और इधर भी हो गया साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए तो टू साइन ए कॉस ए आ गया. यस. ठीक है डन. यस सर. एक और चीज देखो, इसी साइन टू ए को अगर हम 10 में कन्वर्ट करें तो टू साइन ए कॉस ए है. इसको अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. यस सर. अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो. यस. इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो. तो ऊपर जब हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस और कॉस तो कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस आ जाएगा टेन ए. ऐसे जब हम इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ये वन हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाला और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए. तो एक फॉर्मूला बन गया है, साइन टू ए इज टू साइन ए कॉस ए एंड ऑल्सो साइन टू ए इज टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए. बोलो सर. एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए साइन टू ए वाला. मैंने कुछ कहा ही क्या है, खुद ही सोचो ना, खुद ही दिमाग लगाओ. पहले खुद ही दिमाग लगाओ क्या करा है मैंने. सर आपने फॉर्मूला को इक्वेट करके बनाया. सर फॉर्मूला का यूज करके आपने ऐड किया. हाँ तो मैंने बी की जगह ए डाला है तो साइन टू ए का फॉर्मूला ये तो समझ में आ गया होगा. यस सर. या
अब इसको मैंने वन से डिवाइड करा, किसी को भी वन से डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और वन की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके सर। अब ऊपर नीचे मैंने डिवाइड करा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, तो जब मैंने टू साइन ए कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करा होगा, ऊपर वाले टर्म की बात कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर से, तो कॉस कॉस कट गया, टू टेन ए आ गया या नहीं आ गया न्यूमरेटर में, वो लिखा है। ओके सर समझ में आ गया। ऐसे जब डिनोमिनेटर को करूंगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन हो गया और ये वन हो गया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले से, पहले मुझे ये बताओ जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज है, मैं अगर तुम्हें इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज पूछ लूं तो क्या होगा? रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर माइनस टू से प्लस वन। माइनस टू से वन। कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा? क्लोज ब्रैकेट। ऐसे यस सर। ये सही है? तो लो देखो, पहले सारा हटाया तो साइन एक्स सर माइनस टू माइनस वन जीरो और वन, ये बेटर आंसर है। गुड। ये वैल्यू आपकी माइनस रूट टू से प्लस रूट टू है, प्लस रूट टू मतलब 1.41, ये माइनस 1.41, यहाँ माइनस वन जीरो वन नहीं सॉरी माइनस वन, ये जीरो मान लो, ये वन मान लो, ये टू मान लो, तो इन वैल्यूज का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है। तो इन वैल्यू जब इस इंटरवल में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस टू, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस वन, फिर आएगा जीरो और फिर आएगा वन। तो दिस इज द आंसर। तो आंसर चार ही वैल्यू आएंगी ना इसमें बस। yes, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? तो मैंने अभी आज तुम्हें क्या क्या पढ़ाया, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओनली ग्राफ ही पढ़ाया और फॉर्मूला पढ़ाया, तो अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन तो इनके है नहीं, अगली क्लास कर लूंगा तो फिर क्वेश्चन भी आ जाएंगे, है ना? Yes. तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इतना सबको समझ में आया है ना, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। पक्का? ठीक है, गुड। तो एनसीईआरटी लेवल पे तो क्वेश्चन कर सकते हो, बट उसके भी मैंने फॉर्मूले नहीं कराए हैं बहुत सारे, तो अभी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक सेकंड रुकना है। हाँ।